ये देखो। गाइज वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी है और ये रिपेयर कर चुका हूँ, ठीक है। और ये यहाँ से काट के ये एक लूप निकल गई है और अभी इसको चला के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक कवर लगा दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वायर यहाँ पे अटैच ना हो, ठीक है। और ये देखना अभी ये मल्टीमीटर में, ठीक है, ये देखो 4 वोल्टेज, मतलब ये फुल चार्ज है, ठीक है। और इसमें चिंगारी भी दिखाता हूँ, ठीक है, अभी देखना स्पार्क कैसा निकलेगा, ठीक है। इसमें से धुआं भी निकलेगी क्योंकि ये देखो ये वायर ही लाल हो गया, ठीक है भाई। तो ये अच्छे से वर्क करेगी, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगी या नहीं चलेगी मैं पहली बार रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इससे पहले भी रिपेयर किया था, वो बैटरी चल रही है, ठीक है। तो एक बार और चेक करा देता हूँ, देखना भाई ये चार्ज है और ये बैटरी थोड़ी डिस्से ये 3 वोल्ट तक आउटपुट कर रही है, ठीक है। और अभी दिखाता हूँ मैं वापस से, देखना ये लगा दिया मैं और ये ग्राउंड कर दिया, ये देखो गाइस ये पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि ये चल्लू है बैटरी, ठीक है। इसको कवर कर देंगे, ठीक है, ऐसा बॉक्स बना के इसको फिट कर देंगे सारियों को एक साथ इसके अंदर, ठीक है। तो ये एयर नहीं निकलेगी इसमें से, एयर निकलती है, ठीक है गाइस। और इसको चार्ज करने के लिए कुछ लगा देंगे, ठीक है। तो अभी इसको ये ख़राब है बैटरी, तो इसको चला के दिखाता हूँ मैं कैसे किया, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ, एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से इसको कट करेंगे और उखाड़ के ऐसी बना देंगे, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ बना के, ठीक है, ये ख़राब नहीं होती है। ये यहाँ से एक पॉइंट आता है, मैं बता देता हूँ अभी, ये देखो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से कोई एक वायर लगा हुआ है, बाल जितना वायर है यहाँ पे, ठीक है, वो फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आउटपुट करना बंद कर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कील भी मार के देखा, लेकिन ये चला नहीं, ठीक है। तो इसको काटना ही पड़ा। अब अभी इसको देखते हैं ये चलेगी कि नहीं, ठीक है। अभी आपके सामने दिखाता हूँ मैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से काट लूँगा इस बॉडी को, नगी नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब इस कवर को बॉडी पे रहने देंगे, ठीक है। और ये आगे से एक कवर भी काम में आएगा, अभी मैं बताता हूँ, ये कवर भी काम में आएगा, ठीक है। किस काम में आएगा अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये है तो ये लोहे की बॉडी है ऊपर, ठीक है, इसको ऐसे कवर कर देंगे, ठीक है, ये देखो, ठीक है। एक ये वाशर लगा के, ठीक है, इसमें से निकला था, यहाँ पे एक वाशर लग जाएगा। गाइस वीडियो तो लंबी होगी लेकिन नॉलेजेबल होगी, ठीक है। तो ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है, इस पर अभी मैं लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से बैटरी बन गई है और इसको पैक कर देंगे ग्लूगन लगा के और किसी डब्बे में फिट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वायर लगा के जुगाड़ कर देंगे, ठीक है। ऐसे इस पर सोल्डरिंग तो होगी नहीं, ठीक है, इस पर जुगाड़ ही होगा, ठीक है। तो अभी इसको काट के देखते हैं, ठीक है। तो मैं काट लेता हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो गाइस ये एंगल ग्राइंडर बनाया था, इसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी बना लेना, ठीक है। और ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। अभी इसको काट के दिखाता हूँ, मतलब काट के चलाते हैं इसको, ये अच्छे से वर्क करता है, देखो यहाँ से काट दिया इस आयरन की पत्ती को, ठीक है। तो गाइस इसको इधर मोड़ लेता हूँ बाहर की तरफ, देखते हैं
वोल्टेज आती है कि नहीं। ऐसे उखाड़ लेता हूँ और ये हो गया है। और अभी पत्ती को उखाड़ के अब चेक करते हैं इसमें वोल्टेज है कि नहीं। और यहाँ से फिर इसको सारे को ग्लेंडर से काट देंगे, ग्लेंडर बनाया था उसी से। ठीक है तो गाइस अभी देखना, ये देखो 3 वोल्टेज है इसमें, मतलब ये पूरी 4 नहीं है। ठीक है तो इसको ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस तो ये कुछ प्रोजेक्ट में काम में आ सकती है लेकिन ये लॉन्ग टाइम नहीं चल सकती। ठीक है और ये चलेगी, मैं चला के देखूँगा कितनी देर चलेगी। ठीक है गाइस तो इसका पैकेज इतना बना के LED को चला लेंगे। ठीक है तो अगली वीडियो मिलेंगे किस्मत के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।